Hello friends, so we are going to continue with the RTP series, and in this lecture we are going to take up November 2019 working capital. एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, हमारे पास आरटीपी में नवंबर 2019 में ही दो क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल के. एक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, अब करेंगे एक और क्वेश्चन नवंबर 19 के आरटीपी से ही. अभी मई 19 पे हम लोग नहीं पहुंचे हैं. ठीक, चलो जी, लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज. अब क्वेश्चन कहता है, अ रेगुलर कस्टमर ऑफ योर कंपनी हैज अप्रोच्ड to you for the extension of the credit facility for purchasing of the goods. On the analysis of the past performance and on the basis of information supplied, the following pattern of payment schedule emerges: that at the end of 30 days, 20% of the bill is paid, after 60 days, 30%, at the end of 60 days, 30%, 90 days, 30%, 100 days, 18%, and non-recovery, that is bad debts ke chances and 2%. ठीक है, बैड डेट्स के चांसेस. द कस्टमर वॉन्ट्स टू एंटर इन टू अ फर्म कमिटमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 30 लाख रुपीज इन 2019. डिलीवरीज टू बी मेड इन इक्वल क्वांटिटीज इन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर इन द कैलेंडर ईयर. द प्राइस पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज 300, ऑन विच अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10 पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड. वो कहता है प्राइस कितनी है 300, 300 में से 10 रुपए तो प्रॉफिट है, मतलब कॉस्ट क्या है 290 की. समझ में आ गया. इट इज एंटिसिपेटेड दैट टेकिंग अप ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड मीन एन एक्स्ट्रा रेकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 10,000 पर एनम. इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 18% पर एनम, वुड यू एज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी रिकमेंड द ग्रांट ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर. एज्यूम 1 year इज इक्वल टू 360 days. वो कहता है कस्टमर को क्या ग्रांट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप बताओ एज अ फाइनेंस कस्टमर कि क्या उसमें रहेगा. बेसिकली क्या करना है, हम लोगों ने देखना है कि अगर क्रेडिट देते हैं तो हमें क्या बेनिफिट है, और अगर उस पैसे को हम लोग एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 18% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो कितना बेनिफिट है, नेट बेनिफिट होगा या नहीं होगा. राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. उसने कहा कि अगर हम लोग क्रेडिट दे देते हैं कस्टमर को तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है, क्रेडिट सेल होंगी 30 लाख की, टोटल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट 29 लाख की है, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि 300 इज द सेलिंग प्राइस, उसमें से 10 रुपए प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी है 290 की, तो 29 लाख्स की क्या है वेरिएबल कॉस्ट. रेकरिंग कॉस्ट 10,000, दिस इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट यू हैव टू इनकर इफ यू गो फॉर दिस पॉलिसी, दिस इज द एक्स्ट्रा रेकरिंग एक्सपेंडिचर. तो टोटल कॉस्ट क्या हुई 29 लाख 10,000 की. इसके अलावा बैड डेट्स के चांसेस क्या हैं, वो कहता है 2% चांस है कि बैड डेट्स भी हो जाएंगे, तो टोटल कितने के 30 लाख के. अगर बैड डेट्स की कैलकुलेशन करनी हो, चलो यहां पर करते हैं, बैड डेट्स की कैलकुलेशन करनी हो तो किस तरह से होगी, टोटल वैल्यू क्या होगी बिल की 30 लाख, 30 लाख का 2% चांस है कि बैड डेट्स हो जाएंगे, दैट इज 60,000. तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है, क्रेडिट सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट माइनस बैड डेट्स, 30,000 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है हमें होगा. अगर वो कहता है कि हम लोग नहीं देते, अगर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करें उस पैसे की तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब है अगर वो पैसा मैं कहीं और लगा दूं तो क्या बेनिफिट होगा. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मैं कहता हूं टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट इंटू कलेक्शन पीरियड बाय 360 इंटू रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न 18% दे रखा है, सॉरी 18%, नॉट 180%, 18%. राइट, और कलेक्शन पीरियड क्या है. अब कलेक्शन पीरियड डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, कलेक्शन पीरियड उसने कहा 30 डेज, एट द एंड ऑफ 30 डेज 20% ऑफ द बिल. ठीक, तो जो कॉस्ट है उसका भी 20% लेंगे हम लोग, टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट कितनी है 29 लाख 10,000 की. अब इस चीज में ध्यान रखना है कि बैड डेट्स को कंसीडर नहीं करना जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हैं, वहां पर बैड डेट्स को कंसीडर नहीं करते हम लोग, जो मैंने अपने लेक्चर्स में भी बताया था. ठीक है, तो 29 लाख 10,000 की टोटल कॉस्ट है, तो 20% कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि हमें इतना पैसा चाहिए होगा. ठीक, तो इसका यह किस तरह से आया 29 लाख 10,000 का 20%. ठीक है, तो ऐसे 30% 30% और 18% पे निकाल लिया, तो टोटल कॉस्ट होगी 2851800.
कलेक्शन पीरियड 30, 60, 90 and 100 दे रखे हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल सकते हो। तो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 1,03,95। अब मुझे बताओ कि अगर मैं क्रेडिट देता हूं तो मुझे बेनिफिट होगा सिर्फ 30,000 का, और अगर मैं इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालता हूं तो 1,03,095 रुपए की, तो मेरा नेट बेनिफिट क्या होगा, -70,395। अगर मैंने क्रेडिट दे दिया तो मुझे बेनिफिट होगा इतना, मैं गवाऊंगा 1,00,000 रुपए, तो नेट मैं 70,395 आई विल बी लूजिंग इफ आई एम गिविंग द क्रेडिट टू दैट कस्टमर। तो क्या मैं क्रेडिट दूंगा? द प्रपोज्ड पॉलिसी शुड नॉट बी अडॉप्टेड सिंस द नेट बेनिफिट्स अंडर द पॉलिसी आर नेगेटिव। मैं कहता हूं कि मैं 30,000 रुपए तो कमा लूंगा, लेकिन उसी पैसे से मैं 1,03,95 रुपीज का अपना लॉस भी करवाऊंगा, क्योंकि वही पैसा मैं कहीं और इन्वेस्ट करके, मैं रिसीवेबल्स में इन्वेस्ट ना करता, मैं क्रेडिट ना देता, उस पैसे को मैं बैंक में डिपॉजिट करवा देता, FD करवा देता, वहां से मैं 1,00,000 रुपए कमा लेता जो मैं अब गवा रहा हूं, तो नेट 70,000 का लॉस है मेरा। समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, नवंबर 19 का ही क्वेश्चन था वर्किंग कैपिटल का, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एनालिटिकल क्वेश्चन था कि ध्यान से समझ में आना चाहिए कि वो हमसे मांग क्या रहा है, क्या दिया और क्या मांग रहा है हमसे। ठीक, तो दिस नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो। तो ये था हमारे पास नवंबर 19 का। अब नवंबर 19 के दोनों क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, नेक्स्ट विल बी टेकिंग अप मे 19 के वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन, राइट। उसमें भी हमारे पास दो क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे उसमें भी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।